पुरी में भगवान जगन्नाथ को समर्पित खजाने की गिनती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मंदिर के तीनों कमरों से खजाना अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया जा चुका है। अब ASI तहखाने की मरम्मत का काम करेगा, उसके बाद सारा खजाना वापस तहखाने में रख दिया जाएगा। फिर निगरानी कमेटी खजाने की गिनती शुरू करेगी। उससे पहले निगरानी कमेटी ने सरकार से अनुरोध किया है कि पब्लिक में फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए पूरे परिसर की जांच की इजाजत दी जाए। निगरानी कमेटी चाहती है कि उन्हें ऐसे उपकरण मुहैया करवाए जाएं जिससे मंदिर परिसर में किसी और कमरे या तहखाने का पता लगाया जा सके। निगरानी कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि लोगों में तहखाने को और सुरंग को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और इसीलिए खजाने की गिनती से पहले कमेटी इस भ्रम को दूर करना चाहती है। जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार पर पूरी दुनिया की निगाहें लग गई हैं। दुनिया भर में बसे करोड़ों हिंदुओं के साथ साथ बड़े बड़े देश इस भंडार की गिनती पर निगाहें गड़ा कर बैठे हैं। ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस विश्वनाथ रथ के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम ने एक एक कमरे की पड़ताल की। अब मंदिर के 3 कमरों के सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी सब अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट हो चुके हैं। गुरुवार को 3 कमरों का खजाना अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया। तीसरे कमरे में 4 अलमारी और 3 संदूक मिले हैं। इन अलमारी और संदूकों में रखा खजाना शिफ्ट हो चुका है, लेकिन अभी निगरानी कमेटी संतुष्ट नहीं है। वजह है खजाने को लेकर फैलाई जा रही अफवाह। कोई इनमें से एक और तहखाने का दावा कर रहा है तो कोई सुरंग होने की बात कर रहा है। निगरानी कमेटी का कहना है कि किसी के मन में कोई भ्रम नहीं रहने देंगे। खुला नहीं तोड़ा गया, जहां ताला नहीं था उसको भी खोला गया। एक एक करके अलमीरा का संपत्ति एक अलमीरा को ले लिया गया। जो बाहर कुछ खुला हुआ संपत्ति था, वार मटेरियल कुछ था उसमें, तो उसको सेपरेट पैकिंग करके हम लोग ने उसको भी नंबर दे के सीरियल करके सब फिर पुनः उसको लेके जो टेम्परेरी रत्न भंडार बना है उसमें रख दिया। उसके बाद हमने अलमीरा हटाया, पुराना जो रत्न भंडार है उसका अलमीरा हटाया। लोगों का जो सोच था कि या दिमाग में कुछ घुस गया था, कुछ लोग घुसा रहे हैं अभी यूट्यूब में घुमा के कि वहाँ पे सांप है, वहाँ पे ये है, फलाना है, तो उसको दूर करने के लिए हमने या सुरंग है इसको दूर करने के लिए हमने पूरे वीडियोग्राफी किया। वॉल पोजीशन में भी हमको कोई कुछ एक असरपा कॉकरोच या एक आंट पिंपड़ी या एक झिटपिटी कोई भी कुछ नमूना नहीं मिला। पूरे के पूरा शांत था वातावरण भी। देखिए अभी क्योंकि लोगों का मन में कुछ संदेह फैला दिया गया है कि और कोई भंडार है, हो सकता है, हमको मालूम नहीं, लेकिन ये कहाँ पे रिटिन नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज नहीं करता है भगवान का और कोई भंडार है। फिर भी क्योंकि ये कोई 4 से 10 दिन के बाद एक हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि सरकार को लिखेंगे, सरकार अगर अनुमति दे कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया हम उसको अनुशीलन करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर कुछ मिल गया तो उसी दिशा में जाएंगे, अगर नहीं मिला, कुछ सरकार का अनुमति भी नहीं मिला, तो रिपेयर करके फिर उसको वापस लाके उसी का भवन में भंडार में रख के उसका मंती गिनती शुरू करेंगे। रत्न भंडार शिफ्ट हो चुका है और उसके साथ ही कई तरह के दावे भी शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बेशकीमती खजाना इतना है कि कई देशों की GDP इसके आगे छोटी पड़ जाएगी। ये खजाना कितना कीमती है इसका पता तो गिनती के बाद चलेगा। आप रत्न भंडार को इस एनिमेशन के जरिए समझिए। पहला कमरा रोज पूजा के लिए खुलता है, दूसरा कमरा पूजा के लिए साल में 1-2 बार ही खुलता है, जबकि तीसरा कमरा 46 सालों से नहीं खुला था। फिलहाल मंदिर में सभी रत्न भंडार अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिए गए हैं और दोनों रत्न भंडार की चाबियां जिले के कलेक्टर को सौंप दी गई है। अब ASI मंदिर के अंदर के रत्न भंडार की मरम्मत करेगी। मरम्मत के बाद सारे संदूक और अलमारियां पुराने रत्न भंडार में शिफ्ट किए जाएंगे। पुराने रत्न भंडार में शिफ्ट होने के बाद ही गिनती शुरू होगी। के आगे हम सरकार को लिखेंगे, सरकार कोई और दूसरा खजाना है उसका प्रदत्न लेंगे तो वो खत्म होने दो पहले, उसके बाद मरम्मत होगा। एक्सटेंट ऑफ डैमेज शोज देयर मे बी सम टाइम, गुड टाइम फॉर रिपेयरिंग पर्पस, तो रिपेयरिंग पहले हो जाने दो। भगवान को प्रार्थना करो कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। इतना मैं कहूँगा कि जो भंडार 42 साल तक खुला नहीं था या 46 साल तक खुला नहीं था, वो भंडार और फाइनली 14 तारीख को खुल गया। अभी फिर 5 दिन के अंदर दोबारा खुल गया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं राज्यवासी या सब जगत प्रेमी, जगन्नाथ प्रेमी को कि वो हमको आशीर्वाद करे, हम ये काम को जल्द से जल्द संपन्न करें। अब एएसआई की टीम भीतरी कक्ष के रेनोवेशन का काम करेगी। उसके बाद सारे कीमती सामानों को दोबारा इसी कमरे में शिफ्ट किया जाएगा। रत्न भंडार के भीतरी कमरे से जो भी जेवर, कीमती पत्थर, चांदी के बर्तन मिले हैं, उन्हें 6 बड़े संदूकों में रखा गया है। सागौन की लकड़ी से बने ये संदूक 4.5 फीट लंबे, 2.5 फीट चौड़े और 2.5 फीट ऊंचे हैं। समय कम था, इसलिए रत्न भंडार को दोबारा सील कर चाबियां हिफाजत से ट्रेजरी में जमा करा दी गई है। ये रत्न भंडार 46 साल बाद खुल रहा है। 1978 में 13 मई से 23 जुलाई तक भीतरी रत्न भंडार खोला गया था। उस दौरान 70 दिनों तक इसकी गिनती चली थी, लेकिन इसके बाद भी गिनती पूरी नहीं हो पाई। 221 किलो से ज्यादा चांदी के जेवरों की लिस्टिंग की गई। दावा किया जा रहा है कि उस दौरान भंडार के सभी कमरों के दरवाजे खोलना संभव नहीं था, लेकिन जब 46 साल बाद भीतरी कक्ष खुला है तो सवाल था कि क्या उसमें मौजूद सोना इतना बचा है या फिर नहीं। Bahar Bhandara is opened every festival, whereas the Bhitara Bhandara is not opened. Now the shifting of the Bhitara Bhandara is taking place, and I went into the Bhitara Bhandara also, and I saw the original cupboards, wooden cupboards and steel cupboards, as well as the traditional wooden caskets, containers which are called as sinduka. All the items which are there. They are now beginning to open it. जिसके बाद 2018 में ओडिशा सरकार ने बताया कि भीतरी रत्न भंडार के अंदर लगभग 12,831 तोले सोने के गहने और आभूषण हैं, जिनमें कई रत्न हैं। वहीं 220 किलो चांदी है। इसके अलावा चांदी के आभूषणों के रत्न भी हैं। 2018 में ओडिशा सरकार ने जो आंकड़े दिए वो सिर्फ अनुमानित आंकड़े थे, क्योंकि 1978 के बाद से ही भीतरी कमरे नहीं खोले गए। ऐसे में सभी कीमती धातुओं का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल था। भगवान जगन्नाथ के खजाने की बात करें तो ये 2 लेयर में है। पहला लेयर बाहरी चैम्बर का है, जिसमें वर्तमान कक्ष और बाहरी कक्ष है, और दूसरा लेयर भीतरी कक्ष का है, जो 46 सालों से बंद पड़ा था, जिसे गुरुवार को खोला गया। वर्तमान कक्ष में वैसे आभूषण रखे जाते हैं जिनका रोजाना इस्तेमाल होता है। आंकड़ों के मुताबिक उसमें 3.480 किलो सोना और 30.350 किलो चांदी है, जबकि बाहरी कक्ष में 95.320 किलो सोना और 19.480 किलो चांदी है, जिनका उपयोग त्योहार और रथ यात्रा के मौके पर होता है। और भीतरी चैम्बर में 50.600 किलो सोना और 134.500 किलो चांदी है,